हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल को। तो आज हम बात करने वाले एविन डॉट कॉम वेबसाइट के बारे में। एविन वेबसाइट क्या है, उसका क्या यूज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एविन वेबसाइट बेसिकली अपने एक एफिलिएट नेटवर्क है, जहाँ से आप मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसके जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे तो तीन ऑप्शन मिलते हैं अपने एडवर्टाइजर और पब्लिशर का, और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है इन्फ्लुएंसर का। ठीक है, तो एडवर्टाइजर पब्लिशर क्या होता है, आगे हमने और भी ऐसे एफिलिएट नेटवर्क के बारे में बताया था, बात वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो। और एफिलिएट नेटवर्क बेसिकली आपको एडवर्टाइजर पब्लिशर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें एडवर्टाइज के जरिए आप अपने वेबसाइट वगैरह पर ट्रैफिक ला सकते हो और अपने सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए एफिलिएट प्रोग्राम यूज कर सकते हो। और इसके अलावा पब्लिशर होता है, उसके जरिए आप आपके आपके पास अगर ट्रैफिक सोर्स है, ट्रैफिक आती है, तो उनके प्रोडक्ट प्रमोट करवा के आप वहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो इन्फ्लुएंसर होता है, आप सोशल मीडिया के जरिए उन्हें प्रमोट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मिलते हैं एफिलिएट नेटवर्क के अंदर, और इस तरह से एक एफिलिएट नेटवर्क बना होता है जिसमें हम मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर पाते हैं। तो ये भी है बेसिकली एविन अपने एफिलिएट नेटवर्क है, जहाँ से हम मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इसके पब्लिशर की बात करने वाले। ठीक है, पब्लिशर अकाउंट कैसे ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन वगैरह कैसे फिलअप करनी है, उसके बाद क्या क्या और आगे प्रोसेस होता है एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए, सब वीडियो बताऊंगा। वीडियो बने रहना, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो नाउ लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। तो आगे इस वेबसाइट के ऊपर एविन डॉट कॉम के ऊपर इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आ सकते हैं। तो वो देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट है, एडवर्टाइजर है वो 25,000 है, एक्टिव पब्लिशर 270,000 के ऊपर है, उसके अलावा 200 मिलियन सेल्स होगी जनरेट इन 2022 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इतनी सी वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट 10 एफिलिएट्स प्रोग्राम यहाँ पे जो कि पब्लिशर के लिए होगा। ठीक है, ये एडवर्टाइजर है, सॉरी, तो मैं पब्लिशर के लिए यहाँ पे ये एफिलिएट्स प्रोग्राम देने को कह रहे हैं, हमें देना नहीं, हमें लेना है। तो एफिलिएट प्रोग्राम लेने के लिए पार्टनर विद द वर्ल्ड लैंडिंग ब्रांड के ऊपर क्लिक करना होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे 1.1 बिलियन पॉन्ड्स। ठीक है, जो कि अपने USD करेंसी से भी महंगे होते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो 260 एफिलिएट ज्वाइन नेटवर्क एवरी डे होते हैं और 25,000 ब्रांड है इसके ऊपर। तो सिंपली भी यहाँ से हम करेंगे इसको, देखिए, कनेक्ट द राइट एडवर्टाइजर ब्रांड, प्रमोट योर ऑडियंस, विजिट फॉलो लिंक एंड गेट कमीशन फ्रॉम सेल। तो सेल होने पर मैं कमीशन मिलता रहेगा यहाँ पे। तो ज्वाइन अवर नेटवर्क नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के लिए, और दूसरा ऑप्शन आता है आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का। ठीक है, तो इंस्टाग्राम से अगर आपके फॉलोअर्स बढ़िया है तो वो यहाँ से साइन अप कर सकते हो, और वरना फिर यहाँ से सिंपली ज्वाइन एविन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 18 से प्लस अपने एज का है वो यहाँ से ज्वाइन कर पाएगा एविन। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन दे रखे वो देख सकते हो। और रशिया में ये फिलहाल एविन एज सस्पेंड ऑल कमीशन पे आउट पब्लिशर विद रशियन टैक्स रेसिडेंस रशियन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो रशिया से जो होगा अकाउंट वगैरह वो यहाँ पे बैन किया जाएगा। ठीक है, उनको कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो रशिया वाले आप ध्यान रखें, हम इंडिया वाले हैं तो इंडिया वाले कर सकते हैं। कंपनी के नेम के ऊपर दे सकते हो कंपनी का नाम, उसके बाद टैक्स में देना है इंडिया, रशिया देना मत, नहीं तो कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो ईमेल, कंफर्म ईमेल में, चाहे यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद पासवर्ड दे सकते हो, सजेस्ट करेगा अपने गूगल भाई, तो गूगल भाई ने कर दिए, और यहाँ से हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया अभी सेकंड पार्ट अपने सेकंड ऑप्शन। ठीक है, प्राइमरी रीजन, तो यहाँ से हम करेंगे इंडिया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद अपने प्रमोशनल टाइप, तो प्रमोशनल टाइप में कंटेंट है जो कि हमारा किस टाइप का है वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि मीडिया यहाँ पे। ठीक है, सेट प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी नहीं करना है हमें, कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी, और उसके अलावा मीडिया कंटेंट पब्लिश ऑडियो वीडियो म्यूजिक पिक्चर पब्लिश लिंक इंडो इंक्लूडेड वेयर और प्रैक्टिक्स। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन कर सकते कंटेंट, तो हमने दो सिलेक्ट कर दिए, एक तो कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर, और सेकंड है मीडिया कंटेंट। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरा सेकंड ऑप्शन है अपने डिस्प्ले के, जो कि है यहाँ पे हम करेंगे डायरेक्ट ट्रैफिक, जैसे कि पब्लिशर के बन के, और एक एड नेटवर्क है, वेबसाइट क्रिएट नेटवर्क, मोबाइल ट्रैफिक, सोशल ट्रैफिक यहाँ से। ठीक है, एड ट्रैफिक मत करना यहाँ पे,
डायरेक्ट ट्रैफिक कर सकते हो और उसके अलावा सोशल ट्रैफिक कर सकते हो। तीसरा है ईमेल। ईमेल में हमें लीड जनरेट होती है या नहीं है वो यहाँ से आप कर सकते हो। फिलहाल आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हो एक में, और लास्ट 4 नंबर पे आ रहा है हमारा ये 6 है, ठीक है। कंप्रेशन, शॉपिंग, डायरेक्ट लिंक, डोमेन पार्किंग वगैरह, तो सोशल सर्च करेंगे यहाँ पे क्योंकि और ऑप्शन यहाँ पे अलग है सब, ठीक है। इतने हो गए और यहाँ से आ रहा है सिलेक्ट द प्रमोशनल टाइप, द बेस्ट डिस्क्राइब यू ऑनलाइन एक्टिविटी, प्राइमरी प्रमोशनल टाइप, वन ऑफ दिस शुड बी योर प्राइमरी, ठीक है। एक सिलेक्ट कर देना है प्राइमरी में, एक में, तो यहाँ से हमने एक में तो कर सकते हैं, एक में यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, दोनों में भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आ गया प्रमोशनल स्पेस। यहाँ पे स्पेस यानी कि आपकी कौन सी वेबसाइट है, जो भी यहाँ से पर ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि हमारा है यूट्यूब भैया, यूट्यूब चैनल है जो कि सोशल मीडिया है, और ये क्या आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देना है कि हमारा चैनल किस रिलेटेड है, वो दे दूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे वो भी लिखना है, ठीक है, हमारा यूजर नेम भी लिखना है जो चैनल का यूजर नेम है वो। डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे कि किस हमारे वेब जो चैनल है कोई भी आप देते हो वो किस रिलेटेड काम में आता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिख दिया थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर में फिर आना है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस में, यहाँ पे क्या है आपके पास, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम, सिलेक्ट करना होगा तो वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो काम करते हैं वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, सेक्टर कौन सा है हमारा, तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ से मैं करूँगा सर्विसेज में आऊँगा, क्यों फाइनेंशियल रिलेटेड है नहीं, शॉपिंग रिलेटेड अभी यहाँ पे कुछ है नहीं मेरा, तो आपके जिस रिलेटेड है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से करूँगा एक तो बिजनेस सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और बस ये इतने आ रहा है इसमें मेरा ऑप्शन। तो मैं ये फ़िलहाल यहाँ पे ये लीड जनरेट ये भी कर सकता हूँ, और ट्रैवल में जो ट्रैवल रिलेटेड आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो आ गया फोर्थ में, ठीक है। अभी फोर में यहाँ पे करेंगे कंट्री, फ्लैट नंबर जो कि हमारे सब एड्रेस फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का, और पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर, और उसके अलावा फिर अपने वेरीफाई मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वेरीफाई मेथड के लिए किसी भी जरिए आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। वेरीफाई मेथड यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, $1 पे करना होता है। तो यहाँ से हम करेंगे ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पे फ़ोन नंबर फिलअप कर देते हैं इंडिया से, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों कर देना आपको एग्री ये, और फिर ज्वाइन और नेटवर्क पे क्लिक करना है। वो देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया है, अभी यहाँ से पे करना होगा हमें, तो बाय विद जी पे भी कर सकते हैं, गूगल पे $1 अमाउंट पे करना होगा, जो कि $1 होता है 80 रुपये के आसपास हमारा, ठीक है। तो वो देख सकते एक USD टू INR अपने करते तो कितना होता है, 81 यानी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ चुके हैं US डॉलर के, तो वो पे करना होगा हमें। तो एक बार ट्राई करते हैं बाय विद जी पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने मांग रहा है ये क्रेडिट कार्ड, तो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह तो है नहीं हमारे पास, तो भी क्या ऑप्शन करेंगे दूसरा, ये क्या होगा वापस आपके डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये नहीं रखेंगे कंपनी वाले, नहीं रखते आपके वापस, आपको मिलेगा ये $1 भी। तो भी यहाँ से मैं करता हूँ ट्राई, एक बार हो जाता है तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड से हो जाता है उसके ज़रिए, तो ठीक है। तो यहाँ से अभी ये मुश्किल है, मेरा तो हो नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास जो डेबिट कार्ड है वो भी यहाँ से सपोर्टेड नहीं है। तो फिलहाल आपके पास हो ऐसा क्रेडिट कार्ड वगैरह तो यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो, और उसके आगे क्या प्रोसेस होता है वो मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके ये कर दूंगा, ठीक है, सेटअप। तो फिलहाल अभी आपको यहाँ से पे कर सकते तो कर सकते हो, वरना नहीं होता है तो फिर इसे आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसमें माइनस पॉइंट है कि हमें पे करना होगा। तो इसके ज़रिए आप नहीं, गूगल पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने ट्राई किया है बाय विद जी पे। तो इस तरह से आप इसके ऊपर फिलअप कर सकते हो, और इससे आगे आपके ओपन हो जाता है आप पे करने के बाद, और आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मुझे बता देना, तो उसके आगे मैं आपको बता दूंगा। मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना आप इंस्टाग्राम पे वगैरह फॉलो करते हो तो,
तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ से आगे किस तरह से करना है। और आप हो सके तो आप एक बार अकाउंट अपने शेयर कर दो मेरे साथ, तो मैं आपको आगे और भी बता दूंगा किस टाइप से होता है। नहीं कर पाते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई होगा तो मैं ट्राई कर दूंगा, ठीक है। और आगे क्या प्रोसेस होता है वो देख लेंगे। सिंपल सा होता है तो आप कर देना खुद ही, और नहीं होता तो फिर मुझे बता देना। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है एविन की, और लास्ट में जाके आपको पेमेंट कर देना है, और वहाँ से आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो एक मैं देख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एविन पे हम एक बार देख लेते हैं आगे क्या होता है। एविन पब्लिशर डैशबोर्ड कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा, जो कि रिलोड हो रहा है ये फ़ोटो। तो ये आप देख सकते हो एविन का अकाउंट कुछ इस तरीके का पे दिखेगा, और यहाँ से आप इसे कर सकते हो हैंडल, ठीक है। एविन एफिलिएट नेटवर्क ओवरव्यू, तो यहाँ पे बता रहा है सब यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके पब्लिशर अकाउंट को ज्वाइन कर पाओगे एविन का। तो ये मैंने आपको बता दिया इस तरह का आपका डैशबोर्ड होगा, और उसके आगे कैसा होता है, नया अपडेट आया हो या फिर कुछ हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उसके ऊपर बता दूंगा, ठीक है। तो इस रिलेटेड वो क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है ऐसे नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।